इसे बस अपने बालों पर लगाओ और देखो आपके बालों की लंबाई कितनी तेजी से बढ़ती है। नमस्कार, भंडार टीवी के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बालों की लंबाई बहुत ज्यादा छोटी है तो मेरे बताए इस नुस्खे की मदद से आप अपने बालों की लंबाई बढ़ा पाएंगे। हमारे इस नुस्खे में हम चार चीजों का प्रयोग करेंगे और एक नुस्खा बनाएंगे, जिस नुस्खे की मदद से आपके बालों में एक बहुत ही कमाल की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये नुस्खा आपके बालों में प्रोटीन पूरी मात्रा में प्रोवाइड करेगा, जिससे आपके बाल बहुत ही ज्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने बालों को बहुत ही ज्यादा लंबा बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में बताए गए आज के नुस्खे को बड़े ध्यान से देखिएगा और फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र नुस्खा आपके बालों की लंबाई को बड़ी तेजी से बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं हमारे इस नुस्खे में हमें क्या क्या चीजें प्रयोग में लानी है। सबसे पहली जो चीज यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा वह है ये है दोस्तों मेहंदी का पाउडर। जी हाँ, मेहंदी पाउडर जो कि बहुत ही इजीली मार्केट में मिलता है, आप देख सकते हैं यह है मेहंदी का पाउडर, आपको इसे लेना है। ये जो मेहंदी का पाउडर है इसे आपको एक चम्मच इस प्रकार से ऐड करना है। दोस्तों, एक बात बता दूं आपको कि इस नुस्खे को लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा और उससे पहले कुछ आपको करना होगा वो भी बताऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखें। यहां पर एक चम्मच मेहंदी पाउडर डालने के बाद आपको यहां पर जो दूसरी चीज ऐड करनी है वो रहेगा यहां पर कोकोनट ऑयल। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पैराशूट का ये हॉट ऑयल यूज किया है, आप चाहे तो इसे भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने मात्रा इसकी कितनी रखी है, तो इसकी जो मात्रा रहेगी वो रहेगा दोस्तों एक चम्मच। इस प्रकार से आपको इसका एक चम्मच तेल जो है लेना है और इसे इस पर डाल देना है। इसे एक चम्मच डालने के बाद आपको यहां पर जो हमारी तीसरी चीज जो प्रयोग करने वाली है वो रहेगा आलू का रस। दोस्तों, आलू का जो रस होता है ये हमारे बालों की जड़ों को बहुत ही ज्यादा साफ बनाता है, साथ ही साथ इसके इस्तेमाल करने से हमारे बालों को मजबूत बनाता है। आपको आलू का रस यहाँ पर डेढ़ चम्मच के आसपास लेना है। यहाँ पर मैंने आलू का रस डेढ़ चम्मच लिया है, तो आपको करना क्या होगा, बस यहाँ पर इस प्रकार से डेढ़ चम्मच आलू का रस डाल ले। आलू का रस निकालने के लिए सबसे पहले आपको आलू को कद्दूकस करना है, उसके बाद उसका रस निकालना है। ऐसा करके आप आलू का रस बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। अब आपको यहाँ पर अंतिम जो चीज ऐड करनी है वो रहेगा एलोवेरा जेल, और मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर एलोवेरा जेल जो यूज करें वह होना चाहिए प्योर एलोवेरा जेल। फिलहाल मेरे घर पर एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो मौजूद नहीं है, इसलिए यहां पर मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज किया है। अगर आपके घर पर एलोवेरा का प्लांट है तो बिल्कुल आप यहां पर एलोवेरा जेल के बदले एलोवेरा प्लांट का जो जेल होता है उसका यूज करें। आपको यहां पर मात्रा जो दोनों की रखनी है वो सेम ही रहेगी, अगर आप प्लांट का भी ले रहे हैं तो भी आपको मात्रा सेम ही रखनी है। तो यहां पर आपको एक चम्मच के आसपास एलोवेरा जेल डाल लेना है इस प्रकार से, और एक चम्मच एलोवेरा जेल डालने के बाद अंतिम में यहां पर आपको थोड़ी सी मात्रा में पानी इस प्रकार से ऐड करने लेना। देख लीजिए, इस प्रकार से पानी ऐड करें और इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको इस नुस्खे को किस प्रकार से अपने बालों पर लगाना है। थोड़ी देर इसे इस प्रकार से मिलाने के बाद आप देखेंगे हमारा जो नुस्खा है ये बनके तैयार हो चुका है। वीडियो में शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आपको इस नुस्खे को लगाने से पहले कुछ करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक नींबू लेना है और उस एक नींबू का जो रस होता है उसे आपको अपने बालों की जड़ों पर लगा करके रखना है। ऐसा करने से आपके बालों की जड़ों को साफ करेगा, बालों को साफ करेगा। फिर आपको उसे गुनगुने पानी से साफ करना है, पूरे बालों को साफ करना, अपने स्कैल्प को अच्छी तरीके से साफ करना है। उसके बाद आपको इस नुस्खे को अपने बालों पर कुछ इस प्रकार से रख करके अच्छी तरीके से पहले तो जड़ों पर लगाना है। इस प्रकार से आप इसे जड़ों पर लगाएंगे और उसके बाद बाकी बचे पूरे इस नुस्खे को आपको अपने बालों पर लगाना है। बालों पर लगा करके आपको सिर्फ इसे 15 मिनट रखना होगा। अगर आप ऐसा एक हफ्ते तक भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बालों की लंबाई को बड़ी तेजी से बढ़ाएगा और आपके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे होंगे। अगर आपको भंडार टीवी का आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ ऐसी और नई वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।